मैं गौतम बुद्ध हूँ और उसमें प्रकाशित दुनिया सारी है। भू झरना पहाड़ों का मैं कर्तव्य करके जाता हूँ। है सम्राट अशोक का तेज यहाँ पूर्ण मुस्लिमों ने अहिंसा का पैगाम पहुंचाता हूँ। देखो मीडर जहान देश का हर उल्लास से जीता हूँ। वो सुधर कुटुंब का पैगाम मैं समस्त संसार को पहुंचाता हूँ। हर मुल्क हिंदुस्तान मेरा छाती ताल के कहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समाज आयोजक समिति अध्यापक एवं हमारे भाइयों एवं बहनों नमस्कार। मैं अंशुमान नारायण महात्मा गांधी का सिंह विद्यापीठ कृषि सरकार खड़े कावा वाराणसी से आज मजीद वर्दी पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। बहुत अधिक उत्साहित हूँ और खास बात यह है कि पूरे कार्यक्रम का हॉल सिटी वाराणसी है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा स्वयं है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। जहाँ की ऐतिहासिक विरासत राष्ट्रपति चिन्ह के रूप में सुशोभित हो रही है। G20 के अनुसार COVID-19 जैसे विश्वव्यापी महामारी के बाद निर्णय और इतने शानदार तरीके से संपन्न होना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहनत का ही प्रतिफल है। हमारे चर्चा का विषय है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य को देखते हुए वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूर्ति करना। और हम सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज द लाइफ लाइन ऑफ मेनियन बिफोर एंड बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पूरी दुनिया के लिए नई बात है लेकिन हमारे लिए बहुत ही पुरानी बात है। जब पूरा संसार प्रकृति के लिए अंदाज था तब भारतीय राजा सम्राट अशोक ने पहली बार वन्य नीति बनाई और खेल के लिए जंगलों को जलाए जाने पर प्रतिबंध हो जाया। और हमारा देश विदेशों से पहले खाद्य संपन्न देश था। आज बिना जरूरत है कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। कृषि वैज्ञानिकों अध्यापकों छात्रों को किसानों की ट्रेनिंग लगाया जाए। रसायनों की तरफ कम और प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित किया जाए। किसानों की सोसाइटी बनाकर मशीनों का उचित उपयोग किया जाए। डेयरी ग्रोसरी पोल्ट्री जैसे मिक्स फार्मिंग की तरफ किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। तभी हमारे देश के अन्नदाता अधिक अन्न पैदा कर सकेंगे और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हर किसान की आय और दुगुना साकार होगा। और आज कार्यक्रम 19 अप्रैल को आयोजित हो रहा है और खुशी की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक साथी ऐप का उद्घाटन कर रहे हैं जो कि किसानों को सीधे वैज्ञानिकों से जोड़ेगा, कृषि विशेषज्ञों को जोड़ेगा। तमाम देश की मंडियां जो है वो डायरेक्ट किसानों के ऐप के द्वारा जुड़ जाएंगे और देश दुनिया की तमाम जो जानकारियां हैं किसानों से रिलेटेड वो किसानों को आसानी से पहुंचती रहेंगी। वर्तमान में किसानों और प्रकृति को देखते हुए दो लाइनों के साथ अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूंगा कि हमने भी कितने पेड़ तोड़ दिए, हमने भी कितने पेड़ तोड़ दिए, संसद की कुर्सियों में जोड़ दिए, पुलों बिछा दिए, नदियां सुखा दिए, विकास की ताकत में कुदरत को झुका दिए, विकास की ताकत में कुदरत को झुका दिए। धन्यवाद।